Good morning, dear student. Today we are going to read our EVS book, lesson 11, about plants. Plants grow all around us. They grow in hills, desert, and even in sea. जो plants होते हैं वो हमारे चारों तरफ होते हैं. ये hills में, desert में और समुद्र में भी grow करते हैं. Plants mostly grow from seed. जो plants होते हैं वो किससे grow होते हैं? Seed से. हर एक प्लांट का अलग अलग सीड होता है. द सीड्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट. जो सीड्स होते हैं वो जो फ्रूट होता है उसके अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं. मीन्स आपने देखा होगा हर एक फ्रूट होता है उसके अंदर क्या होता है? सीड. व्हेन द सीड गेट्स वाटर, वार्मथ एंड एयर, द बेबी प्लांट इनसाइड इट ग्रो एंड कम्स आउट एज अ सीडिंग. जब हम इस बीज को ज़मीन के अंदर डालते हैं और उसको वहाँ से ज़मीन के अंदर से गर्मी मिलती है, पानी मिलता है, एयर में, तो वो क्या होता है, जो सीड होता है उसमें से क्या होता है, एक बेबी प्लांट वो ग्रो होता है. और जो बेबी प्लांट ग्रो होता है उसे हम बोलते हैं सीडलिंग. अ सीडलिंग हैज़ रूट, स्टेम एंड लीव्स. जो सीडलिंग होता है उसके पास होती है, उसकी रूट्स होती हैं, उसके लीव्स होते हैं और उसकी एक स्टेम होती है. इट ग्रो इंटू अ बिग ट्री आफ्टर सम टाइम. कुछ समय के बाद ये एक बहुत लंबे बड़े ट्री में चेंज हो जाता है, बड़ा ट्री बन जाता है. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? द पार्ट ऑफ प्लांट ग्रोइंग अबव द सॉइल इज नोन एज द शूट सिस्टम. जो भी पार्ट प्लांट का सॉइल से ऊपर ग्रो होता है उसे हम बोलते हैं शूट. इट कंसिस्ट ऑफ ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. इसके अंदर क्या क्या होता है? ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स. द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अंडर द सॉइल फॉर्म्स द रूट सिस्टम. जो पार्ट प्लांट का सॉइल के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं रूट. रूट. डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रूट. हर एक अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग रूट्स होती हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट. रूट होती हैं वो दो तरह की होती है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. टैप रूट, इट हैज़ वन मेन रूट विथ स्मॉलर ब्रांचेस रूट्स. सॉरी, इट हैज़ वन मेन रूट विद स्मॉलर ब्रांच रूट्स. तो क्या होता है, जो टैप रूट होती है उसकी एक मेन रूट होती है और बाकी उसमें से छोटी छोटी रूट्स ग्रो होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मस्टर्ड, सनफ्लावर, कैरेट एंड रेडिश. जैसे कि कैरेट, रेडिश, सनफ्लावर, मस्टर्ड, ये सभी क्या होते हैं, टैप रूट के एग्जाम्पल होते हैं. जैसे आप देखते होंगे ना, कैरेट, जो हम कैरेट खाते हैं उसकी जो मेन, जो हम पार्ट खाते हैं वो क्या होता है, उसकी टैप रूट होती है. कई बार उसमें से छोटी 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 रूट्स निकली होती हैं, उसको हम बोलते हैं स्मॉलर ब्रांच. फाइब्रस रूट्स, व्हेन मैनी रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम. जहाँ पर एंड होता है स्टेम का, वहाँ से जो रूट्स ग्रो होती हैं बहुत सारी एक साथ, तो जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये मेन रूट है, ये मेन रूट नहीं है. तो जिसमें काफ़ी सारी रूट्स ग्रो होती हैं, लगभग उनका सेम साइज़ होता है, इस कॉल्ड फाइब्रस रूट. उनको क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट. फॉर एग्जाम्पल, ग्रास, वीट, ऑनियन एंड राइस. जैसे कि ग्रास और वीट और ऑनियन और राइस, इन सब की कौन सी रूट्स हैं? फाइब्रस रूट. देयर आर अनदर टाइप ऑफ रूट विच डज नॉट ग्रो अंडर द सॉइल. एक और तरह की रूट होती है, वो कौन सी रूट होती है? वो रूट सॉइल के अंदर ग्रो नहीं होती. बिग ट्रीज लाइक बनियन हैव न्यूमरस रूट्स दैट ग्रो डाउनवर्ड फ्रॉम द ब्रांचेस. जो हमारा बनियन ट्री होता है उसकी जो ब्रांचेज होती हैं वहाँ से छोटी छोटी बहुत सारी रूट्स ग्रो होती हैं. तो वो रूट्स नहीं होते, वो रूट्स होती हैं जो क्या होती हैं, ब्रांचेज से सॉइल की तरफ ग्रो होती हैं. दे आर कॉल्ड एरियल रूट्स. उनको कौन सी रूट्स बोलते हैं? एरियल रूट्स. दीज रूट्स गिव स्पॉट टू हैवी ब्रांचेज ऑफ द बनियन ट्री. जब बनियन ट्री होता है उसकी बहुत हैवी हैवी ब्रांचेज होती हैं, तो उनको ये स्पॉट देती हैं. फंक्शंस ऑफ रूट. रूट के फंक्शन क्या होते हैं? रूट्स होल्ड द सॉइल टाइटली एंड हेल्प द ट्री टू स्टैंड स्ट्रेट. जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बहुत अच्छे से टाइटली पकड़ के रखती हैं, जिससे क्या होता है, जो ट्री होता है वो हमारा बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है. दे गो डीप इन द सॉइल. वो सॉइल में बहुत अंदर चक जाती हैं एंड स्प्रेड आउट, और बहुत ज़्यादा फैली होती है, दस फिक्सिंग द प्लांट इन साइड. इससे क्या होता है, जो प्लांट होता है वो सॉइल के अंदर अच्छे तरीके से फिक्स होता है. द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो क्या होता है, सॉइल क्या करती है,
जो सॉरी रूट्स होती हैं वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और अलग अलग प्लांट के पार्ट तक पहुंचाती हैं। सम रूट्स एक्स्ट्रा स्टोर फूड एंड आर ईटन बाय अस। जो और रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक्स्ट्रा फूड होता है उसको स्टोर करके रखती हैं, और जो वो स्टोर करती हैं फूड को, वो कौन खाता है उस फूड को, हम। फॉर एग्जाम्पल द कैरेट रेडिश बीटरूट एक्सेट्रा। जो कैरेट रेडिश और बीटरूट होती है ये क्या होती है, रूट्स होती हैं जो क्या करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं, और इनका जो स्टोर्ड फूड होता है वो कौन खाता है, हम। फ्लावर्स, द फ्लावर्स इज मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फ्लावर होता है वो पार्ट का, प्लांट का बहुत ब्यूटीफुल पार्ट होता है। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स साइजेस कलर्स एंड फ्रेग्रेंस। जो फ्लावर्स होते हैं उनकी शेप्स अलग होती है, साइजेस अलग अलग होते हैं, उनके कलर्स अलग अलग होते हैं, और फ्रेग्रेंस उनकी जो खुशबू होती है वो भी अलग अलग होती है। अ फ्लावर बिगिंस एज अ स्मॉल बड नियर द स्टेम ऑफ अ लीफ। जो लीफ की स्टेम होती है उसके पास एक छोटा सा बड बनता है। द बड ओपन्स, तो जब बड खुलता है एंड ब्लूम्स, ब्लूम करता है इनटू अ कलरफुल फ्लावर। तो जब वो ओपन होता है बड, तो वो क्या वो होता है, एक कलरफुल फ्लावर के रूप में खिलता है। सम फ्लावर्स देन ग्रो इनटू फ्रूट और वेजिटेबल। जब कुछ फ्लावर्स होते हैं जो ब्लूम करने के बाद, खिलने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसी फ्रूट या वेजिटेबल में। दीज हैव सीड्स इनसाइड विच गिव्स राइज द न्यू प्लांट। तो क्या होता है, जब प्लांट बड बनता है, बड से फ्लावर होता है, फिर फ्लावर किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट या वेजिटेबल में। तो फिर क्या होता है, जो फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, फिर से उनके अंदर एक सीड होता है, और सीड के अंदर फिर से क्या होता है, एक बेबी प्लांट। ठीक है, तो वो सीड होता है, फिर बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक बेबी प्लांट में। फ्लावर्स इन सीजन, सीजन में कौन कौन से फ्लावर्स होते हैं। वी इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स थ्रू आउट द ईयर। जो फ्लावर्स की ब्यूटी है हम पूरा का पूरा साल इन्जॉय करते हैं। सम फ्लावर्स ब्लूम्स ओनली इन अ सर्टेन सीजन। पर कुछ फ्लावर्स होते हैं वो किसी सर्टेन सीजन में ही खिलते हैं, दे आर कॉल्ड सीजनल फ्लावर। ये हम सीजनल फ्लावर कहते हैं। फ्लावर्स ऑफ द स्प्रिंग सीजन, जो स्प्रिंग सीजन होता है उसके फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं, टूलिप एंड डैफोडिल्स ब्लूम इन स्प्रिंग्स। जो टूलिप और डैफोडिल्स हैं वो किस में ब्लूम होते हैं, स्प्रिंग में। फ्लावर्स ऑफ विंटर सीजन, विंटर सीजन के कौन कौन से फ्लावर होते हैं, डहेलिया, पैंसी, कैलेंडुला, रोज एंड क्रिसेंथेमम्स ब्लूम इन विंटर। फ्लावर्स लाइक लिली, बुगनविला एंड मैरीगोल्ड ग्रो थ्रू आउट द ईयर्स। Uses of flowers. Flowers are used at prayers, birthdays, weddings and festivals. जो flowers होते हैं वो prayers, birthday, wedding और festival में decorate करने के लिए use होते हैं। Flowers greet each other with bouquets and basket of flowers on special occasion. जब people एक दूसरे को मिलते हैं तो greet करने के लिए वो bouquet of flowers, flowers का bouquet देते हैं। The flowers of jasmine, rose, lavender and calendula are used to make perfumes. कुछ फ्लावर्स होते हैं जैसे कि जैस्मिन, रोज, लेवेंडर, कैलेडुला, जो क्या होते हैं, परफ्यूम्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। रंगोली आर ऑल्सो मेड ऑन द फ्लोर विद फ्लावर्स। जो फ्लोर होता है उस पर रंगोली भी किससे बनाई जाती है, फ्लावर से। फ्लावर्स ऑफ कॉलीफ्लावर, फ्लावर्स ऑफ कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, पम्पकिन आर रिटन एज वेजिटेबल। जो फ्लावर्स होते हैं जैसे कि कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, पम्पकिन, ये कैसे खाए जाते हैं, वेजिटेबल के रूप में। रोज़ पीटल्स आर यूज इन गुलकंद। जो रोज़ होते हैं उसके पत्ते, पीटल्स, जो उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं वो गुलकंद में यूज़ होती हैं। इट इज़ द स्वीट मिक्सचर ऑफ यूज इन पैन लीव्स ऑफ मेडिसन्स। और ये क्या होता है, स्वीट मिक्सचर होता है इनका, लीव्स का, जो कि, और ये मेडिसन की तरह भी काम करता है और खाने के लिए भी टेस्टी होता है। ड्राइड फ्लावर्स आर यूज टू मेक पॉटपुरी। जो ड्राई फ्लावर्स होते हैं वो किस लिए काम आते हैं, पॉटपुरी बनाने के लिए। केयरिंग प्लांट्स, प्लांट्स की केयरिंग कैसे करनी चाहिए। प्लांट्स आर अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर। जो प्लांट्स होते हैं वो जो हमारा नेचर है उसकी तरफ से बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है हमारे लिए। इट इज़ अवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर एंड प्रोटेक्ट देम। ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनकी केयर करें और उनकी वो प्रोटेक्ट करें। प्लांट्स लाइक तुलसी, बनाना, गावा, रोज, अशोका एंड मैरीगोल्ड आर कॉमनली ग्रो एट होम
एंड आर लुक्ड आफ्टर बाय द फैमिली मेम्बर्स और गार्डनर्स। तो जो कुछ प्लांट्स हैं लाइक तुलसी, बनाना, गवावा, रोज, अशोका, मैरीगोल्ड, ये सब कहाँ पे होते हैं? घर में हम ग्रो करते हैं इनको, और ये फैमिली मेम्बर्स या फिर किसी गार्डनर के द्वारा देखे जाते हैं, उनकी केयर की जाती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक प्लांट्स। जो ये प्लांट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक प्लांट्स। There are some trees like the neem, jamun, banyan and eucalyptus which are planted on the roadside। कुछ हमारे plants होते हैं जैसे banyan, eucalyptus, neems और jamun, ये road side के road की साइडों में plant किए जाते हैं। These trees are cared by the municipal corporation of the city। जो सिटी की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है उसके द्वारा इनकी केयर की जाती है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लुक आफ्टर द ट्रीज ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है वो उन पौधों की देखभाल करता है जो कहाँ पर ग्रो होते हैं, किसी फॉरेस्ट में। रोजवुड, सैंडल, टीक, शीशम एंड पाइन ट्रीज कैन ग्रो एंड लीव फॉर मैनी ईयर्स। जैसे ही हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे रोजवुड, सैंडल, टीक, सीसम एंड पाइन, ये जो ट्रीज होते हैं बहुत ही लंबे समय तक ये ग्रो कर सकते हैं। मतलब जैसे ये एक बार ग्रो करने के साथ बहुत लंबे समय तक ये लीव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। ट्रीज आर द लाइफ लाइन ऑफ द अर्थ। जो ट्रीज होते हैं वो अर्थ की लाइफ लाइन है। वी शुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बींग कट एंड डिस्ट्रॉयड। तो हमें हमारे ट्रीज को बचाना चाहिए। किससे से बचाना चाहिए? उनको काटने से और उनको डिस्ट्रॉयड करने से। वी शुड ऑल्सो प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज फॉर अ ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट। हमें एक साफ सुथरा हरा भरा एनवायरनमेंट लेने के पाने के लिए क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाना चाहिए। आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।